गाइज वेलकम टू माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं करने वाला हूं कि 100 mm डाया वाला सिलेंडर का कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले हम कैलिब्रेशन करने से पहले हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारा बैलेंस 30 kg का होना चाहिए, एक कोन, एक सिलेंडर और वाटर हमारे पास होना चाहिए। तब ये तीन चार चीज़ें हमारे पास रहेगी तो उसके हिसाब से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कोन वेट का। और सिलेंडर के अंदर प्योरिंग सिलेंडर के अंदर इसके अंदर सैंड होनी चाहिए 1 mm की पासिंग, 600 mm का रिटेन वाली सैंड इसके अंदर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप पूरी वीडियो को क्लिप करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास 100 mm का डाया वाला जो कंटेनर है, कोन है, तो उसका मैं सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने से पहले क्या करना होता है, इसका खाली कोन का वेट लिया होता है। जो मेरे पास खाली कोन का वेट है 1372, ये हमारे पास खाली है। तो खाली का वेट मैं नोट कर लेता हूँ कॉपी में। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका वाटर पानी डाल के उसका फिर मैं वॉल्यूम निकालूंगा। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाता रहूँगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो फ्रेंड क्या है, इसका एम्प्टी कंटेनर जो कोन है उसका मैंने वेट लिखा हुआ है 1372 ग्राम। और अब मैं इसके अंदर जो वेट लिखूंगा वो वाटर एंड कोन वेट लिखूंगा, जो अब इसके अंदर हम वाटर डालने वाले हैं। तो फ्रेंड क्या है, इसके अंदर क्या पानी को धीरे धीरे से डालेंगे और ये डिस्टिलेटेड वाटर होना चाहिए, जिसका 25 डिग्री तक टेम्परेचर वाला वाटर होना चाहिए, ना ही हॉट गर्म पानी की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे क्या है, उसको कोन को हम पूरा फिलिप कर देंगे वाटर से। तो फ्रेंड कोन वेट का जो भरा हुआ वाटर है आप इस वीडियो में देख रहे हो, ऐसे ही इसको पूरा फिलअप करना है कॉर्नर तक का, कोई वाटर बाहर या अंदर ना निकले कोई भी चीज़। तो ऐसे फिर मैं इसका वेट भरे हुए वाटर से लूँगा, कोन प्लस में एम्प्टी का, दोनों का वेट है इसका 2617। तो फ्रेंड क्या है, ऐसे हम क्या है इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो प्योरिंग सिलेंडर है उसको हम फिलअप करेंगे सैंड से। जो हमारा जो सैंड रहेगी वो 1 mm का पासिंग रहेगा और 600 mm का रिटेन वेट रहेगा। तो वो सैंड हमारे पास अभी है तो वो अवेलेबल है, तो हम इसका भी आगे नेक्स्ट आपको अभी बताने वाले हैं वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा क्लिप करें। तो फ्रेंड क्या कर लेते हैं, उसको हम पूरा फिलअप कर लेते हैं। देखो अब पूरा फिलअप किया हुआ है। इसका सही लग रहा, थोड़ा चटपटा है।
का फोटो मत भेजना।